नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। दोस्तों बात करेंगे आज तीन कंपनियों के बारे में जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है, तो इस पूरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कंपनीज के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी बहुत स्ट्रांग है, सेक्टर भी बहुत पोटेंशियल रखने वाला है। बट अगर ये पर्टिकुलर अपडेट ऐसा है जिसको आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो क्या है पूरी खबर, एक एक करके समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो एक सोर्सेस से खबर आ रही है, हियर इज व्हाई आरबीआई शुड लेट द बैंकिंग इंश्योरेंस पार्टनरशिप थ्राइव। तो देखिएगा, जो आपको पता है कि कई सारे ऐसे बैंक हैं जिनके इंश्योरेंस डोमेन में भी पूरा पूरा बिजनेस चलता है, ग्रुप ऑफ बिजनेस चलता है, लाइक आप HDFC बैंक भी है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो आपको पता है कि इन बैंकों की जो मेजॉरिटी स्टेक होता है, यानी कि इनका मेजॉरिटी स्टॉक स्टेक इस कंपनियों में होता है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में जो मेजॉरिटी स्टेक्स होता है वो किसका होता है, बैंकिंग्स का होता है, यानी कि बैंक्स का होता है। तो उससे उसके रिगार्डिंग आने वाले टाइम में हो सकता है RBI कोई बड़ा फैसला ले सकता है, और अगर ये फैसला आता है तो इन बैंकिंग स्टॉक्स को, इन बैंक्स को इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या करना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी को बेचना पड़ेगा जिसमें वो प्रमोटर है। तो अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द अनकन्फर्म्ड मीडिया सोर्सेस, तो देखिएगा अभी कन्फर्म नहीं है ऐसा कुछ भी, सोर्सेस से ऐसी न्यूज आ रही है, मीडिया सोर्सेस से ऐसी न्यूज आ रही है, RBI इज मुलिंग टू रिस्ट्रिक्ट द ओनरशिप ऑफ बैंक इन द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो ओनरशिप है, जो बैंक्स की ओनरशिप होती है इन द इंश्योरेंस कंपनी, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कुछ परसेंटेज के कर सकता है। बिकॉज इट सजेस्ट दैट द RBI इज इन द फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द बैंक स्टेक एट द मैक्सिमम 20%, यानी कि जो बैंक्स का स्टेक इंश्योरेंस कंपनियों में होता है उसको मैक्सिमम 20% कर सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है, इसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो एक क्लू के बेसिस पे ये बात कही जा रही है। और पहले जान लेते हैं कि ऐसा होने के कारण क्या है। देखिएगा, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जो इंश्योरेंस सेक्टर का बिजनेस होता है, उसमें काफी कैपिटल क्या होती है, चाहिए होती है। तो इस कैपिटल को अगर बैंक अपने पर्टिकुलर बिजनेस में, अपने कोर एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व करें, अगर इसमें और तरीके का एक्सपेंशन करें तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये वन ऑफ द रीजन पहला बताया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ फीडिंग द इंश्योरेंस कंपनी विथ कैपिटल, द RBI वुड रेदर वॉन्ट बैंक टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट। यानी कि उन्हें क्या कह रहा है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर आप अपने बिजनेस में इतना पैसा लगाते हैं तो आपकी बैलेंस शीट मजबूत होगी, आपका कोर बिजनेस मजबूत होगा, जिससे काफी ज्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिएगा पहला जो ट्रिगर बना है ये अनकन्फर्म न्यूज का, तो देखिएगा अभी रिसेंटली क्या हुआ है, द स्पेकुलेशन हैज गैदर्ड फर्दर स्टीम, यानी कि इसी पर्टिकुलर न्यूज में खबर में तेजी कैसे आई, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, जो मैक्स और एक्सिस की डील हुई है, यानी कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की और एक्सिस की जो डील हुई है उसमें RBI ने एक्सिस को क्या दिया है, 19% का, केवल 19% का स्टेक अलाउ किया है। क्या करा है, यानी कि वो 90% की 19% की हिस्सेदारी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में खरीद सकते हैं। तो जिसके बेसिस पे ये थोड़ी सी र्यूमर अभी फैले हुए हैं। It appears that the regulator may prescribe this rule for existing player as well. और जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि हो सकता है RBI कुछ ऐसा प्लान ला सकती है जिसमें जो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर हैं, जो बैंक्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उनको भी, उनकी ओनरशिप पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये चीज जो अगर आएगी तो इसमें क्या होगा, इसे बिकवाली क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि सारे बैंकों का काफी बड़ा स्टेक है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, तो अगर ये पर्टिकुलर प्लान इंप्लीमेंट होता है तो उन्हें अपने स्टेक को कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए मार्केट में शेयर बेचा जाएगा, जिससे आपको शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है।
अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कंपनीज बहुत अच्छी हैं, कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छी हैं और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इसके कई सारे रीजन हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया सपोर्ट है और अवेयरनेस काफी बढ़ी है आफ्टर कोविड-19 और कई सारे बेनिफिट इनको GST में भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता भी है तो इसमें दोनों तरीके का विन विन गेम देखने को मिलेगा, क्योंकि कैपिटल इन्फ्यूजन अब आने वाले टाइम में इन पर्टिकुलर सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आपको पता है कि काफी बढ़िया रिबाउंड आ रहा है, तो ये अब आने वाले टाइम में सेल्फ रिलायंस भी हो, तो ये कुछ रीजन है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा गवर्नमेंट का इस सेक्टर का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, इंश्योरेंस देखिएगा हाई ग्रोथ सेक्टर है और कैपेबल इनफ टू रेज कैपिटल फ्रॉम द प्राइवेट एंड पब्लिक मार्केट, तो देखिएगा बहुत ही कैपेबिलिटी है क्योंकि इनमें रिबाउंड भी देखने को मिल रहा है। तो RBI का ये मानना हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर को इतनी नीड नहीं होगी इतने बड़े कैपिटल इन्फ्यूजन की, तो अपने आप वो सेल्फ रिलायंस भी हो सकता है। गवर्नमेंट का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 74% तक जो FDI है वो भी क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, तो कैपिटल की इंश्योरेंस सेक्टर को आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रोइंग सेक्टर में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे किन स्टॉक्स में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है, तो वो हो गया ICICI Prudential की मैं बात कर रहा हूँ, HDFC Life की बात कर रहा हूँ और SBI Life की बात कर रहा हूँ, और इनको तीनों को मिलकर 1.2 लाख करोड़ का क्या करना पड़ेगा, स्टेक मार्केट में बेचना पड़ेगा अगर ये चीज एग्जीक्यूट होती है। तो अगर होती है, अभी हुई नहीं है, अगर होती है देन मैं बता रहा हूं, और कितना किसका स्टेक है ये भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा पहले तो आपको पता ही चल गया कि अगर 20% की कैटेगरी में इनको लाना पड़ेगा तीनों ही, यानी कि SBI लाइफ को, ICICI में जो SBI लाइफ का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है स्टेक, HDFC बैंक का और ICICI बैंक का जो स्टेक है, तो उनको 1.21 लाख करोड़ का क्या करना पड़ेगा, ऑफलोड करना पड़ेगा, मार्केट में शेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो ये पूरी तरीके से जो है स्ट्रक्चर में चेंज आने को देखने को मिलेगा अगर ऐसा एग्जीक्यूशन होता है। अब अगर इसके अलावा बात करें आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर कितना किसका स्टेक है, ये चीज बहुत जाना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिएगा आप अगर बात करेंगे HDFC का, तो HDFC लाइफ में 50% का स्टेक रखता है, यानी कि कितना रखता है 50% का। तो अगर इनको 20% पे आना पड़ा तो इनको 44,000 करोड़ शेयर्स के आसपास बेचने पड़ेंगे, जो पूरी वॉर्थ रखते हैं 44,000 करोड़। और ये देखिएगा इसमें जब ऐसी बिकवाली देखने को मिलेगी तो स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और 51% की जो स्टेक है वो किसके पास है, बैंकों के पास है, ICICI Prudential में ICICI बैंक का है, तो इनको भी ऑफलोड करना पड़ेगा, इतने वॉर्थ के शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया दूसरी चीज। और तीसरी है बात SBI जो कि SBI लाइफ में 55% की हिस्सेदारी रखती है, तो उसको भी कई सारे स्टेक क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, अपने इक्विटी शेयर सेल करने पड़ेंगे ओपन मार्केट में। तो ये चीज आने वाले टाइम में अगर होती है तो इन कंपनियों पे आपको शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी देखने मिलेगी। देखिएगा शेयर होल्डर्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी है, लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया मूवमेंट भी देखने को मिलेगा और FDI के बढ़ने से बहुत बढ़िया कैपिटल इन्फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आने वाले टाइम में ये चीजें एग्जीक्यूट होती है तो शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी बन सकती है। तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको अलर्ट रहना है, फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।